पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए नमाज। इस्लाम में नमाज सबसे अहम इबादत है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सूरह तौबा कुरान पाक में किस पारे में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए 20वें पारे में, बी 25वें पारे में, सी 30वें पारे में और डी 10वें पारे में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी 10वें पारे में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कुरान में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह मरियम, सी सूरह जिन और डी सूरह कौसर। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी सूरह कौसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मशहूर आसमानी किताबें कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 4, सी 2 और डी 1। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी 4, मशहूर आसमानी किताबें 4 है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान करीम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तौरात कौन से नबी पर नाजिल हुई? आपके ऑप्शन है ए हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर, बी हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर, सी हज़रत नूह अलैहि सलाम पर और डी हज़रत लूत अलैहि सलाम पर। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हुक्म का जिक्र कौन सी सूरह में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए सूरह यासीन, बी सूरह नास, सी सूरह कौसर और डी सूरह जिलजाल। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी सूरह जिलजाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 5, सी 3 और डी 12। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी 3 बेटे। प्यारे नबी के 3 बेटे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम।